अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या कर रहा हूं मतलब? पति हूं तुम्हारा? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जब से शादी हुई है तब से तूने मुझे अपने करीब तक नहीं आने दिया। एक हफ्ता हो गया, अब मुझसे नहीं रहा। देखिए, आप घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, इसके सिवा आपको कुछ दिखता ही नहीं। आपको पता भी है ना, घर में एक जवान लड़की है, उसकी शादी भी करानी है या फिर जिंदगी भर उसे घर पर ही बिठा रखना है। अरे हाँ, देखो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, विद्या के लिए मैंने एक लड़का देखा है, यही कानपुर का है, अच्छे परिवार का है, लड़के का नाम सूरज है। अच्छा। पिछले साल बड़े भाई साहब के लड़के की शादी में वो लोग भी आए थे और वहीं पे हमारी विद्या को उन्होंने देखा था। बस अब विद्या की शादी हो जाए। पापा, पापा मुझे शादी वादी नहीं करनी है। क्या कह रही है तू? शादी नहीं करनी है तो क्या जिंदगी भर इसी घर में रहेगी? क्यों नहीं करनी शादी? पढ़ने लिखने के बाद अपने घर जाओ, सभी लड़कियां यही करती हैं और तुमको भी यही करना होगा। समझा दो इसे, लड़का बहुत अच्छा है और मैं शादी तय कर चुका हूँ। मम्मी पापा, मुझे शादी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और क्यों करनी शादी? मैं कह देता हूँ, शादी यही होगी। विद्या, हर लड़के को एक दिन शादी करनी ही होती है। अधिक लड़का शहर में रहता है और उसके माँ बाप गांव में रहते हैं, तो उससे शादी करके ठाट से शहर में रह सकती है, पता है? लेकिन माँ, मेरी मर्जी भी तो होनी चाहिए। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और क्यों करनी शादी? विद्या, तेरी मर्जी हो या ना, लेकिन तेरे पापा की तो मर्जी है ना, तो बस अब तू भी मान जा। लेकिन माँ। लेकिन कुछ नहीं, तेरे पापा ने सब कुछ तय कर दिया है। अब तू मना कर देगी तो तेरे पापा की कितनी बेइज्जती होगी। और तू जानती है ना कि तेरे पापा दिल के मरीज हैं, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब बेटा, तेरे हाथ में है, या तो तुम की इज्जत रख ले या फिर अपनी मर्जी चला ले। अपने माता पिता की इज्जत रखने के लिए विद्या ने शादी तो कर ली, लेकिन क्या दबाव में लिया गया उसका यह फैसला सही था? विद्या के माता पिता को लगा कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
सूरज ने विद्या के साथ जबरदस्ती की। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? सूरज से शादी करने के बावजूद भी विद्या सूरज को पत्नी का प्यार क्यों नहीं दे पा रही थी? क्या सूरज ने कभी ये कारण जानने की कोशिश की, या फिर विद्या के जीवन में कोई और था जिसे वो चाहती थी? आइए देखते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। वो नरेश है? हाँ वो। के साथ ही पढ़ती हो? जी भाभी। वैसे भाभी, नरेश और सूरज भैया तो घर पे नहीं होते, अब तो बोर हो जाती होगी ना? चलिए कोई बात नहीं, अब से हम रोज आया करेंगे आपके घर। अरे लेकिन तुम्हारी भी तो पढ़ाई होती होगी ना? अरे भाभी, आपका देवर है ना, वो किस काम आएगा, उसके नोट चुरा के भाग जाएंगे हम। या बाहर क्यों सो रहे हैं? कुछ तो ठीक नहीं चल रहा भैया और भाभी के बीच। आरती, आरती,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो आरती, आई लव यू। मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। कभी मेरे घर आती हो ना मुझसे मिलने, मुझे देखे बिना तुम रह नहीं सकती। नरेश, ये तुम क्या बोली जा रहे हो? हमें तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, और जो हम तुम्हारे घर आते हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे प्यार करते हैं। देखो नरेश, हम तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें कुछ भी बोलोगे। अरे आरती, मैं तुम्हें याद कर रही थी। हाँ आओ, अंदर आओ। भाभी, ये पौधा क्यों सूख रहा है? पौधे को अब जीने की ख्वाहिश नहीं रही शायद। नहीं भाभी, कभी कभी हमें दूसरों की खुशी के लिए भी जीना चाहिए। अब देखना, ये पौधे मेरी खुशी के लिए जिएंगे। बात करें भाभी, आप जब मुस्कुराती है ना तो बहुत खूबसूरत लगती है। मुझे भी तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। तुम यहाँ हो तो मेरा मन लगा रहता है, वरना मैं यहाँ पता नहीं क्या करती। भाभी, हमें भी आपके साथ बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें? Thank you.
आज मुझे वो खुशी मिली है जिसकी शायद अब तक मुझे तलाश थी। आप जब मुस्कुराती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती है। हमें भी आपके साथ बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। बीवी तो इसकी दिन भर उस आरती के साथ ही रहती है। अरे भाई चाय तो दो, लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। अरे कोई सुन भी रहा है? हाँ कैसे ऑफिस जाऊं? खुश रहो। विद्या, आरती, आओ आओ। कहाँ बैठे हो? हाँ? अरे आवा सूरज, कहाँ गायब हो आजकल? भाई नई नई शादी हुई है तो गायब तो हो गई, दिन भर अपनी लुगाई के साथ लगा रहता होगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अब इतना काम रहता है कि क्या करे इंसान, लाइफ में परेशान रहते हैं। काम ही होगा, वरना बीवी तो इसकी दिन भर उस आरती के साथ ही रहती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, दोस्ती हो गई उन दोनों की, साथ में घूमते हैं बस। हाँ मैं भी अक्सर उसी के साथ देखता हूँ। भाई सूरज, शादी के बाद ना पत्नी का सबसे अच्छा दोस्त पति होता है, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो। यार सूरज, कभी कभी तो मुझे लगता है उसने तुमसे नहीं उस आरती से शादी की है। क्यों? आरती आई थी क्या घर पे? तो रोज ही आती है। क्यों? नहीं कुछ नहीं, कुछ आज से तुम्हारा आरती के साथ मिलना जुलना बंद। क्यों? आरती ने क्या किया है? किया कुछ नहीं, उस लड़की का इस घर में आना जाना मुझे पसंद है। मैं तुम्हारा पति हूं ना, तुम्हारे साथ ही रहता हूं ना, जो भी बातें करनी है मेरे साथ समझी। दोस्त है मेरी, इसमें क्या परेशानी है आपको? परेशानी है ये है कि तू उसके चक्कर में मुझे भूलती जा रही, अपने पति को भूल जाती। वो लड़की आज से इस घर में नहीं आएगी, समझी? ये कर क्या रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, आप क्या कर रहे हैं? पति को पति का सुख तो नहीं दे रही, उस लड़की से दोस्ती नहीं पा रही। देखिए आप छोड़िए मुझे। छोड़ू? छोड़िए मुझे। छोड़ू? समझ में नहीं आ रही।
विद्या, विद्या। हाँ क्या हुआ विद्या, तुम रो क्यों रही हो? आज से तुम्हारा आरती के साथ मिलना जुलना बंद। सूरज के लिए मेरे दिल में कभी कभी वो फीलिंग हुई ही नहीं। सूरज तो क्या, मुझे किसी लड़के के लिए फीलिंग्स नहीं हुई। जो मीठा सा एहसास मुझे तुम्हें देखकर होता है आरती, सूरज के साथ मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती। वो हर रात मेरे साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन उसके जबरदस्ती करने से मेरे दिल में उसके लिए प्यार नहीं जाग सकता। विद्या, हमें भी तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। आरती, मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता, हम साथ रहें, हम बहुत खुश रहेंगे। हाँ विद्या, हम बहुत खुश रहेंगे और हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। लेकिन लेकिन मुझे डर लगता है, हम साथ भाग चले। विद्या, हमारा रिश्ता कोई समझ नहीं पाएगा और ना ही कोई कोई समझे ना समझे, हम तो समझते हैं रिश्ता ना, हमारी खुशी है, किसी तीसरे की खुशी से क्या, हम साथ खुश रहेंगे। यहाँ क्या कर रहा है, घर नहीं गया? चल घर चल। भैया गुस्से से नहीं, शांति से काम लीजिए। मेरे दिमाग में कुछ है, मैं आपसे रात को बात करता हूँ। और हाँ, भाभी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलिए। भैया, वो हम कह रहे थे कि हमें एक मोबाइल चाहिए था, आप अपने भैया से बोल दीजिएगा। ये भाभी मेरे पास है, मैं ही दे देता हूँ। ये लीजिए भाभी, इसमें सिम कार्ड भी है और पैसे भी। वैसे और कोई हेल्प तो नहीं चाहिए आपको? थैंक यू। जी तो करता है कभी इसका गलत बात।
घिन आ रही है मुझे इसे। या, मैं जोश से नहीं होश से काम ले रहा हूँ। होश से काम? साला सब समझेंगे कि मैं ही नफूस हूँ, क्योंकि मेरी औरत को एक लड़की से अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। या भाभी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये जो सारे फसाद की जड़ है ना, वो आरती है। सबक तो उसे सिखाना पड़ेगा, जो भी करना है अब उसका करना है। हेलो, हाँ आरती, कुछ नोट्स चाहिए थे। हाँ थोड़ा अर्जेंट है, अभी आता हूँ। मैं ऐसी क्या कमी थी कि तूने मेरी भाभी के साथ रासलीला रचाना शुरू कर दी? ज़बान सब ना के बात करो नरेश, मैं विद्या से प्यार करती हूँ। प्यार? तो अब एक औरत से प्यार करेगी तो हम मर्दों का तो कोई काम ही नहीं बचा। हम बाजा बजाएं? एक औरत को प्यार करने का हक सिर्फ एक मर्द का होता है। तूने मेरा प्यार ठुकरा कर मेरी इज्जती की। मैं तुझे बताता हूँ एक मर्द किस तरह प्यार करते हैं। दूर रहो उनसे। क्यों रे, मेरी औरत के साथ इश्क लड़ाएगी? दुनिया के सारे लड़के मर गए कि तुझे अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए एक औरत चाहिए? बोल ना। बहुत ज्यादा गर्मी है तेरे में, बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी तेरी गर्मी शांत करता हूं। छोटी जी, हमें छोड़ दो। कैसे छोड़ू? मेरी औरत नहीं मिली थी तुझे? हो गया इसका काम तमाम। ना रहेगी भांस, ना बजेगी बांसुरी। पकड़ पकड़ पकड़। अन्ना उठा नहीं क्या? आरती आज आई नहीं और ना ही उसका फोन लग रहा है। उसके घर जाकर देखती हूँ। आरती के घर में ताला, बिना बताए कहाँ चली गई होगी? आरती,
ये किसका नंबर हो सकता है? हेलो, मैं आरती की दोस्त बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं आरती का भाई बोल रहा हूँ। आरती वहाँ आई हुई है क्या? दीदी तो यहाँ नहीं आई है। मैं खुद परेशान हूँ और कल से उसका फोन भी बंद आ रहा है। ये तो आरती का फोन है। नरेश का नंबर? नरेश ने इतनी रात को क्यों फोन किया? मैं इसे पूछती हूँ। भैया आपके रास्ते की मुसीबत तो हट गई, अब आप बस किसी तरह ना भाभी को अपने वश में कर लीजिए। भैया मैं क्या बोलता हूँ, आप कुछ दिन के लिए भाभी को लेके कहीं घूमने चले जाइए और मैं चला जाता हूँ गाँव। नरेश तू ठीक कह रहा है, मुझे भी लगता है कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब ही हो जाते हैं। नरेश भैया आपने आरती को कॉल किया था? हाँ वो मुझे कुछ नोट्स लेने थे। वो आरती अपने घर पर नहीं है, ना जाने कहाँ चली गई। आपके फोन के बाद उसका फोन भी बंद है। नरेश भैया आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? ए, आरती गायब हो गई, तू क्यों इतनी परेशान हो रही? हम्म, तेरा पति तो इधर सामने बैठा है। आपने मुझे आरती से दूर रहने को कहा था, मुझे लगता है आप दोनों ने कुछ गलत किया उसके साथ। क्या बोल किया? जान से मार दिया उसे और ज्यादा परेशान की ना, तुझे भी उसके पास भेज दे। तुम लोगों ने आरती को मार दिया? हाँ, मार दिया। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। ताना सब कुछ बता दूंगी। साहब सब भाभी और आरती का नाजायज संबंध था साहब, इसलिए भैया ने और मैंने सोचा कि हम उसे रास्ते से साफ कर देते। नाजायज नहीं था हमारा संबंध, प्यार करते थे एक दूसरे से, वो मुझसे और मैं उससे। प्यार? साहब एक लड़की का एक लड़की के साथ कैसे प्यार हो सकता है? इसे प्यार नहीं कहते हैं तो किसे कहते हैं प्यार? उसे जो हर रात तुम करते हो, उसे प्यार नहीं बलात्कार कहते हैं। एक चीज तुम कभी नहीं समझ पाए, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया पर तुम ये चीज कभी नहीं समझ सकते। तुम्हारा और आरती के साथ जो संबंध था ना, उसे घिन आनी शुरू हो गई थी, और इससे पहले कि पूरा घिनौना रिश्ता पूरे समाज के सामने आए, मैंने और नरेश ने मिलकर आरती को रास्ते से ही हटा दिया। समाज कर किसी रिश्ते की इजाजत नहीं दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मनमानी करो और सारे फैसले खुद करो। मैं तुम दोनों को आरती के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। ले जाओ उनको, बंद कर दो। We'll be right back.
बात करें भाभी? आप जब मुस्कुराती है ना तो बहुत खूबसूरत लगती है। मुझे भी तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी हमें दूसरों की खुशी के लिए भी जीना चाहिए। अब देखना, ये पौधे मेरी खुशी के लिए जिएंगे। आरती को सूरज और नरेश ने सिर्फ इसलिए जान से मार दिया क्योंकि आरती और विद्या के बीच एक प्रेम का नया रिश्ता जन्म ले चुका था। जहां सूरज को यह लगने लगा था कि यह रिश्ता उसकी मर्दानगी को चुनौती है, वहीं नरेश आरती से अपना बदला लेना चाहता था। दोस्तों, आज भी हमारे देश में समलैंगिक संबंधों के लिए सहमति और असहमति की स्थिति बनी हुई है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां इस संबंधों को कानूनी मान्यता प्राप्त हो चुकी है और कई ऐसे भी देश हैं जो उन कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, बातचीत से बड़े मुद्दों का हल निकलता है। इस केस में सूरज अगर अपनी पत्नी विद्या से बात कर लेता और उसे तलाक दे देता तो शायद मासूम आरती की जान बच जाती और यहां तक कि सूरज और नरेश अपराधी बनने से भी बच सकते थे। विद्या और आरती का प्यार तो उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा, लेकिन उनकी इस कहानी ने कई सवाल खड़े कर दिए जिसके जवाब हमें खुद अपने आप से तलाशने होंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। वादा करता हूं कि अगले हफ्ते फिर एक दर्दनाक कहानी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इट्स बेटर बी सेफ देन सॉरी।